स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा आज है 6 जुलाई 2024 क्लास 12 का इतिहास का वीकली टेस्ट है। इस वीडियो में हम आपके इतिहास में आने वाले क्वेश्चंस को करने वाले जो कि आज पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का प्रमुख यहाँ पर जो प्रश्न आने वाले हैं, तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, सर्वप्रथम मेसोपोटामिया का किस भाग में नगरों और लेखन का प्रादुर्भाव हुआ था? बताना है सही उत्तर क्या होगा, किस भाग में हुआ था। सबसे पहले नगर और सबसे पहले यहाँ पर लेखन का प्रादुर्भाव, विकल्प दे रखा है यहाँ पर उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। सही उत्तर यहाँ पर बी होगा, पहले प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, दक्षिणी। नोट कर लेंगे। प्रश्न संख्या दो पूछा गया है, स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? बताना है स्वतंत्र बेबीलोन का जो अंतिम शासक कौन था। विकल्प दिया गया है अशुरबनिपाल, निबोपुलस्पार, निबोनिदास, या इनमें यहाँ पे दे रखा है एन मार्कर। सही उत्तर यहाँ पर होगा निबोनिदास, है ना, इसका सही उत्तर होगा नेबोनिडस, नेबोनिडस होना चाहिए ये। तीसरा प्रश्न दे रखा है, दिनारियस रोम में प्रचलित प्रसिद्ध सिक्का था जो बना होता था। विकल्प दिया गया है सोना, चांदी, कांसा या तांबा, किससे बना हुआ होता था। यहाँ पर सही उत्तर होगा चांदी, ऑप्शन बी एकदम सही होगा, यह चांदी का बना हुआ सिक्का होता था। तीसरा प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्रिंसिपेट नामक राज्य किस शासक ने स्थापित किया था? पहला ऑप्शन दे रखा है ऑगस्टस, है ना, ऑगस्टस। दूसरा दे रखा है यहाँ पर जूलियस सीजर, तिबेरियस, त्राजन। सही उत्तर होगा ऑगस्टस, पहले ही विकल्प सही होगा। एक एक प्रश्न यही पूछा जाएगा, आप अभी ही याद कर लीजिए, आराम से दिमाग में बैठा लीजिए। पांचवा प्रश्न है, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? विकल्प दे रखा है अलीवर्दी, तेमुजीन, बाझल, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर बी था यहाँ पर, तेमुजीन। छठा प्रश्न, ए बी मोनेस्ट्री किसका निवास स्थान था? विकल्प है पोप, पादरी, बिशप, भिक्षु। तो किसका निवास स्थान था, यह भिक्षु का निवास स्थान था, बिल्कुल सही डी होगा। सातवां प्रश्न दे रखा है, कैंटरबरी टेल्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विकल्प है रॉबिन्सन, जेफरी चौसर, दांते, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर बी था, जेफरी चौसर ने यह पुस्तक लिखी थी। आठवां प्रश्न है, मार्टिन लूथर किस देश के निवासी थे? विकल्प है फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड। याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, आ जाएगा, जर्मनी के थे। अगला प्रश्न दे रखा है, गोल्डरस अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? विकल्प है कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, मिशिगन होना चाहिए, मिशिगन कैलिफोर्निया से है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कहाँ से लाए गए थे? विकल्प है तस्मानिया, सिडनी, न्यू गिनी, न्यू साउथ वेल्स। तो ये लाए गए थे न्यू गिनी से। चलिए 10 में से 10 ऑब्जेक्टिव सही हो गए आपके। अगला करेंगे, किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो नोट कर लेंगे यहाँ पर ब्राज़ील, जो ब्राज़ील है उसका नाम एक पेड़ के नाम पर है, ठीक है, ब्राज़ील उड जो है वो नाम इसके नाम पर इसका देश ब्राज़ील रखा गया है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज कब और किसने की? लिखेंगे अमेरिका की खोज कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी में की थी। पुनर्जागरणकालीन प्रमुख मूर्तिकारों के नाम लिखें, देखिए मैंने तीन लिखा है, तीन ही लिख दीजिएगा तो चल जाएगा, डोनाटेलो, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो। तो ये था आपके आज के आने वाले प्रश्न। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर 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 कीजिएगा। धन्यवाद।